हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्रॉम्पटन का आधे एचपी का मोटर। इस वीडियो में आपको इसकी फुल रेवेन्यू और प्लस डेटाबेस का बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा मोटर है, क्रॉम्पटन का आधे एचपी का ये मोटर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मोटर जो है, इसमें ऑलरेडी पहले से ही पीवी सीट मैंने इंस्टॉल कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पीवी सीट लगा हुआ है। दोस्तों, आइए इसके बारे में जान सकते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या है। दोस्तों, ये आधे एचपी का है मोटर और जो इसका वोल्ट है, ये 220 वोल्ट पे इसको वर्क करता है। स्पीड जो है, इसकी स्पीड 2780 आरपीएम और इसमें करंट जो है वो आपका 2.80 एम्पियर लेगा और इसमें कैपेसिटर जो आपका लगेगा वो 10 एमएफडी यानी 10 यूएफ का जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर इसमें लगेगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इसकी स्टंपिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरा मोटर है, इसकी स्टंपिंग को आप नापने के लिए आपको स्केल ले ले, चाहे जो चीज़ ले नापने के लिए। मैंने स्केल लिया है, तो मैंने स्केल से इसकी नपाई की है, तो ये 2 इंच है, इसका स्टंपिंग है 2 इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मोटर का नाप लेने के लिए आप कॉइल का जो नाप लेना है आपको, वो एक आप कॉपर का 28 नंबर वायर या 29 नंबर वायर ले लें और 1 से 5 यानी आप एक में डालने के बाद 4 स्लॉट छोड़ के 5वें में ये इधर से जितना है उधर से उधर भी उतना ही रहेगा। चलिए अब हम इसकी रनिंग कॉइल के बारे में जानते हैं। आपको रनिंग का कॉइल जो बनाना है वो आपका 4 का एक सेट कॉइल बनाना है, आपको रनिंग का 2 सेट पड़ेगा आपको। और इसका जो इसमें गेज आपको यूज़ करना है वो 25 नंबर से यूज़ करना है और इसका जो टर्निंग रहेगा वो आपका रहेगा 72, 74, 75 और 78, इसमें रनिंग का टर्न रहेगा। चलिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल के बारे में बताते हैं आपको। ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल है, ये 2 का सेट है और ये मैंने 28 नंबर से बनाया है। इसका जो टर्न मैंने लिया है 130 और 135 टर्न इसका किया है। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका कॉइल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने जो नाप लिया था, तो मेरे पास ये एक फर्मा है, मैंने फर्मे पे ये दूसरे जो दूसरा आप देख सकते हैं दूसरे उसमें लगाया है। उस कॉइल को निकालने के बाद अब मैं इस पर 25 नंबर से इसका रनिंग कॉइल बनाऊँगा। दोस्तों, ये इस फर्मे पर मेरे मीटर लगा हुआ है, तो मुझे गिनती करने में कोई परेशानी नहीं होती। आप कोई कपड़े से या कोई पेपर से इसका वायर अच्छे से पकड़ लें ताकि ये अच्छे से बने। तो दोस्तों, जैसा देख सकते हैं, ये कॉइल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही जल्दी इसका पूरा कॉइल पूरा सेट बन जाता है। ये आपको पहले उसमें 72 टर्न करने हैं, दूसरे वाले में आपको 74 टर्न करने हैं। दोस्तों, ये क्रॉम्पटन का ये मॉडल है, जो ये मिनी मास्टर सेकंड है। इसमें एक और मॉडल आता है, उसका जो स्लॉट है वो स्लॉट थोड़ा बड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो गेज होता है वो आपका गेज बदल जाएगा। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी आपको डेटा बताऊँगा कि वो किस डेटे से भरा जाता है और उसकी फुल रिवाइंडिंग भी बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा रनिंग कॉइल जो मैं बना रहा हूँ फर्मे पे, आपके पास जो फर्मा हो जैसे आप बनाते हैं वो आप फर्मा आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा जो तीसरे और चौथे में जो टर्न है वो 76 और चौथे वाले में 78 टर्न है। दोस्तों, ये मेरा एक रनिंग का एक सेट बन के तैयार है। अब आप कोई 29 नंबर या 28 नंबर वायर से इसको कॉइल को एक एक कॉइल को आप जैसा कि देख सकते हैं बांध दीजिए ताकि इसको खोल के निकालें तो कोई प्रॉब्लम ना हो।
हर एक कॉइल को या आप 28 नंबर तार ले लीजिए चाहे 29 नंबर तार से, या आप धागे से भी इसको बांध सकते हैं, धागा भी आज यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा रनिंग कॉइल कितना अच्छे से तैयार हो गया। अब हम आपको स्टार्टिंग कॉइल बना के बताते हैं। स्टार्टिंग कॉइल में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इसको साइज को हल्का सा छोटा करना पड़ेगा, और आपको दो खाँचा छोड़ के यानी लास्ट में चौथे, तीसरे और चौथे में आपको बनाना है, यानी रनिंग कॉइल का आगे का दो, जैसे रनिंग कॉइल में आप चार कॉइल बनाते हैं तो रनिंग कॉइल का दो छोड़ के आपको तीसरे और चौथे में बनाना है आपको। और स्टार्टिंग का जो ये टर्निंग है आपको पता है, मैंने पहले उसमें बता दिया है कि ये पहले में 130 और दूसरे में 135 टर्न रहेगा। आपको क्या करना है, रनिंग कॉइल से थोड़ा सा आपको एक सूत इतना आपको छोटा कर लेना है स्टार्टिंग कॉइल। इसको भी आप उसी तरह बांध लें जैसा रनिंग कॉइल आपने बांधा है। इसको बांधने के बाद आप इसको फर्मे से निकाल लें। जैसा कि आप देखते हैं मेरा स्टार्टिंग कॉइल बन गया है। चलिए दोस्तों अब हम इसमें मोटर में कॉइल इंस्टॉल करते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे कॉइल इसमें पड़ता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं स्लॉट में। दोस्तों ये मेरा रनिंग कॉइल है। चलिए दोस्तों ये मेरा क्रैम्पटन का जो मोटर है, आप कोई भी एक स्लॉट में नीचे एक स्लॉट में कोई भी स्लॉट में इसको आप डालिए कॉइल को। आपको कॉइल को थोड़ा कर करके डालना है ताकि अच्छे से चला जाए, जाली ना बने। अगर जाली बनने पे क्या होता है, कॉइल इंस्टॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो आप थोड़ा कर करके आप स्लॉट में उसको इंस्टॉल करिए। दोस्तों ये मैंने कॉइल को डाल दिया। आप एक पीवी सीट का टुकड़ा लें और उसको यू उसमें मोड़ के और स्लॉट के ऊपर लगा दें ताकि जो वायर है वो मतलब बॉडी में टच ना हो। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको इसके बाद आपको चार स्लॉट छोड़ के चार स्लॉट एक दो तीन चार स्लॉट छोड़ के पाँचवें स्लॉट में थोड़ा कर करके इस स्लॉट में आप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप पीवी सीट का टुकड़ा लें, उसको यू फोल्ड करके और कॉइल के ऊपर लगा दें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पहला कॉइल जो है इस स्लॉट में डाल चुका है।
अब मैं पहले सेट का दूसरा कॉइल, देखिए देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर यहाँ पे रनिंग का दूसरा कॉइल, पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, स्लॉट के ऊपर ये वाले स्लॉट में इसको डालना है। कॉइल को आप थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर डालें ताकि इसमें जो जाली होता है जाली ना पड़े। जाली पड़ने से क्या होता है, कॉइल को डालने में दिक्कत होती है। आप फिर से इसका टुकड़ा लें और स्लॉट के ऊपर जैसे पहले लगाया था वैसे लगा दें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो गया। आप स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कॉइल को डालना है। चलिए दोस्तों अब हम तीसरा कॉइल इसके यहाँ ऊपर इधर और इधर तीसरा कॉइल डालते हैं। तीसरे कॉइल की जो टर्निंग है वो आपका 75 टर्न है। और फिर सीट लगा दें। दूसरी तरफ यहाँ इसके ऊपर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीसरा कॉइल जो इसका है डल के तैयार है। इसमें ऊपर पीवी सीट का टुकड़ा लगा दें ताकि बॉडी में टच ना हो। मेरा रनिंग का जो पहला सेट था वो डल चुका है। अब पहले सेट का आखिरी कॉइल यानी चौथा कॉइल अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों इसका चौथा कॉइल जो है ये ठीक उसके ऊपर पड़ेगा। ये इसके ऊपर ये वाले स्लॉट में इसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये एक मिनी मास्टर सेकंड है क्रैम्पटन का मॉडल नंबर। इसमें एक मॉडल और आता है उसका जो स्लॉट रहता है वो स्लॉट थोड़ा बड़ा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो गेज नंबर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको उसका डेटा अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मेरा रनिंग कॉइल का पहला सेट जो डल चुका है। कॉइल को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। फोल्डने के बाद
आप देख सकते हैं रनिंग कॉल कितना अच्छे से डला है। अब चलिए अब मैं आपको, ये मेरा रनिंग कॉल का दूसरा सेट है। तो दोस्तों मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा लिया है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि जैसा कि आपको ऊपर से 1, 2, 3 स्लॉट छोड़ के आपको चौथे स्लॉट में इसको डालना है। मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना बने और आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। आपको ऊपर रनिंग कॉइल के ऊपर से आपको 3 स्लॉट छोड़ के चौथे स्लॉट में आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद बीच में आपको फिर 4 छोड़ के पाँचवें वाले में डालना है। उधर से फिर आपका 3 उधर आपका स्लॉट रह जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि रनिंग कॉइल जो पहला सेट डाला है जैसे बताया है वैसे इसको भी डालना है आपको, ठीक वैसे भी आपको इसे इंस्टॉल करना है। मेरा पहला कॉइल, आप दूसरा कॉइल इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। फिर सीट का टुकड़ा लें और स्लॉट के वायर के ऊपर लगा दें, ये यहाँ पे दूसरा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा दूसरा सेट का दूसरा कॉइल रनिंग का पड़ गया है। अब दूसरा सेट का तीसरा कॉइल ये ठीक इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको ज़रूर बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा। इसका जो RPM है ये 2780 RPM पे है, इसके नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ है 2780 RPM, लेकिन ये 2800 RPM के लगभग वर्क करता है। 2780 RPM 2800 RPM पे अब ये चौथा कॉइल इसके ऊपर रनिंग का दूसरे सेट का चौथा कॉइल। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दूसरे सेट का रनिंग का चौथा कॉइल डल के तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डला है। तो दोस्तों अब चलिए अब इसके कनेक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये मेरा ये कॉइल का ये अंदर वाला कॉइल और ये बाहर वाला सिरा, ये बाहर वाला सिरा है दूसरे कॉइल का, ये अंदर वाला सिरा यानी इनर और आउटर, ये आउटर है ये आउटर है, इसको आपको ये दोनों आपको ये ऐड कर लेने हैं। आप कोई चीज़ से अगर आपका कॉपर वायर है तो आप कोई चीज़ से जला के इसको कैची से या कोई चीज़ से इसका जो ऊपर का पॉलिश होता है वो आप हटा लें, उसके बाद स्लिप डाल के इसको आप जोड़ दें। अगर आपका अल्मोनियम वायर है तो आपको जलाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई ब्लेड के सहायता से उसको आप उसका इंसुलेटर निकाल लें। आपको इसको अच्छे से जोड़ना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर है ये इधर उस कॉल का इधर सिरा निकला था और इस कॉल का इधर वाला सिरा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
चलिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल है जो मैंने 28 नंबर से इसको बनाया है। इसका टर्निंग जो है ये 130 और 135। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे मोटर में इसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल है। आप इसको अच्छे से देखिए कि इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, किस स्लॉट में इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस स्लॉट में आपको स्टार्टिंग कॉइल आपको डालना है। इसके बाद आपको पीवीसी स्ट्रिप का टुकड़ा लेना है और उसको इस स्लॉट के ऊपर लगा देना है। उसके बाद ये यहाँ पे ये स्टार्टिंग कॉइल इस स्लॉट में यहाँ पे पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके वायर स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करें ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ा है तो आपको स्केल या छोटा पेचकस के उससे आपको कॉइल सीधा करके आपको उसको डालें ताकि स्क्रेच ना पड़े। दोस्तों पीवीसी शीट का टुकड़ा लें और स्लॉट के ऊपर लगा दें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल का पहले सेट का पहला कॉइल डल चुका है। अब पहले सेट का दूसरा कॉइल इसमें इंस्टॉल करेंगे ठीक उसके ऊपर, ये यहाँ पे और यहाँ पे। आपको इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ठीक यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। इसको अच्छे से आपको बराबर कर लें, उसके बाद पीवीसी शीट का टुकड़ा लें और इसके ऊपर लगा दें कॉइल को आगे पीछे करके। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा स्टार्टिंग कॉइल का पहले सेट का कॉइल डल चुका है। अब ठीक ही ऐसे दूसरा स्टार्टिंग कॉइल का सेट सामने इसके ठीक सामने पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब मैं स्टार्टिंग दूसरा सेट डालता हूँ इसमें। मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा लिया है ताकि वीडियो लंबा ना पड़े। जैसे आपने पहला स्टार्टिंग कॉइल का सेट डाला था वैसे ही दूसरा पड़ेगा इसमें।
टू शीट का टुकड़ा प्लॉट के ऊपर लगा दें। तो दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग का दूसरा सेट का पहला कॉइल भी चल चुका है। अब दूसरा सेट का दूसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों की जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब मैं स्टार्टिंग कॉइल का आपको कनेक्शन बताता हूँ। सेम जैसे आपने रनिंग को किया था वैसे आपको स्टार्टिंग भी करना है। इनर और आउटर इसमें कनेक्शन रहेगा। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल जैसे आपने रनिंग ऑफ किया था आउटर टू आउटर वैसे इसका भी करना है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।